हेलो दोस्तों, आप सब लोग मजे में होंगे। बरसात का मौसम है तो आज हमने सोचा बहुत ही एक चटपटा चाट बनाया जाए, तो मक्के का चटपटा चाट। कि मक्के का चटपटा चाट आप खाओगे ना तो भाई ये आप मक्के की दूसरी डिश खाना भूल जाओगे। तो ऐसा मैं आज चटपटा चाट बना रहा हूँ, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कम ऑयल के अंदर हम चटपटे चाट को आज हम बनाते हैं, मक्के का चटपटा चाट। चलिए मक्के का चटपटा चाट बनाना शुरू कर। देखिए दोस्तों, मैंने ये दो मक्का ले लिया है। अब इस मक्के को हम थोड़ा सा मिर्ची डाल के भून लेंगे। ये देखिए भाई, ये अमूल का बटर यूज कर रहे हैं, तो भाई बटर जितना आप यूज करोगे उतना ही टेस्ट ऑसम आएगा। ये देखिए बटर मैंने डाल दिया इसमें। चलिए कि भाई हरी मिर्ची, हल्का सा खड़ा धनिया डालेगा, ना के बराबर हल्दी पड़ेगी, एकदम ना के बराबर ये हल्दी चली गई। तो हमारे को थोड़ा सा मसाले को भून लेना है। ये हमारा मक्का है तो मक्के को हमारे को इसमें डाल देने का। अब इसको हमारे को ढक के रख देने का है। ये देखिए, इसको ढक दिया ढक्कन को, हमारे को 5 से 7 मिनट, हमारे को कम से कम 7 मिनट इसको एज इट इज रखना है हमारे को। देखिए भाई, 7 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मक्का बन के रेडी है ऑलमोस्ट। तो अब हम इसको मक्के को सर्व करेंगे। देखिए भाई, ये हमारा हो गया। अब इसमें सबसे पहला पड़ेगा प्याज। प्याज डाल रहा हूँ, ये प्याज चला गया इसमें, टमाटर आ गया इसमें, प्याज थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है तो प्याज और प्याज आ गया और हरी मिर्ची में मैंने डाल दिए। तो भाई ये चिली फ्लेक्स चले गए इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिली फ्लेक्स का इसमें। और ये काली मिर्च का पाउडर चला गया, भुना हुआ जीरा, मैं 1 चम्मच सॉल्ट डाल रहा हूँ, छोटी चम्मच है तो ये छोटे चम्मच सॉल्ट का चला गया, क्योंकि ये चाट मसाला मैजिक का यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा चाट मसाला हमको स्प्रिंकल करना है इस प्रकार से, ज़्यादा नहीं डालने का है। तो चाट मसाला में भी नमक रहता है। इसमें पड़ेगा हल्दीराम भुजिया का थोड़ा सा सेव, ये थोड़ा हरा धनिया। अब हमारे को इस सबको जो है मिक्स करने के पहले थोड़ा सा लाइम जूस, ये लेमन का जूस हमारे को डालने का है, थोड़ा सा लेमन जूस भी हमने इसमें डाल दिया है, मिक्स कर लेने का है इस प्रकार से। तो इसको अब हम प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए, हमारा चाट मक्का चाट बनके रेडी है, चटपटा चाट। इसको मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूं, देखते हैं कैसा बना भाई। बहुत बढ़िया बना है, ऐसा चाट आप खाएंगे कभी भी बाहर का, मक्के का चाट आप नहीं खाएंगे। बहुत है, मैं एक और भाई बहुत टेस्टी लगा, एक एक बाइट ऑल। अल्टीमेट टेस्ट है। बरसात में भुने हुए भुट्टे की जगह आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। और मैंने इसको तेल में नहीं बनाया, बटर में बनाया हुआ है, और हेल्दी चटपटा मक्के का चाट रेडी है। तो ये मक्के का चाट की रेसिपी जैसे मैंने बताया वैसे आप बनाएंगे, बहुत सिंपल रेसिपी है, तो आपका भी चाट ऐसे ही बनेगा। तो घर के अंदर मैंने 2 मक्के का बनाया, घर में 4 मेंबर है या 5 मेंबर है तो आप 3 से 4 मक्के का बना सकते हैं। और ये चाट आप फैमिली मेंबर सब साथ में बैठ के खा सकते हैं, उसके साथ में चाय ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये हेल्दी मक्के का चटपटा चाट की रेसिपी आप जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ये रेसिपी आप बनाइएगा, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों में, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे नई नई डिश की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।